आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे शिमला पहुंचे और उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। शिंदे का आरोप है कि देश की सुरक्षा खतरे में है, सैनिक मरे जा रहे हैं, सीमाओं की चौकियों पर आतंकी हमले हो रहे हैं, आतंकवाद को खत्म करने की बात भी झूठी निकली, हर रोज देश पर हमले हो रहे हैं, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वाह वाह लूटी जा रही है। कांग्रेस सरकार में जब गृह मंत्री थे तो देश में कई बड़े कदम उठाए गए थे, लेकिन उन चीजों को बढ़ा चढ़ा कर जनता के सामने पेश नहीं किया। शिंदे ने शिमला में कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है, भाजपा मोदी सरकार के 3 साल हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि सत्ता में आने के बाद देश का काला पैसा निकालेंगे और जनता के खाते में डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा नोटबंदी का फैसला कर जनता को सड़कों पर लाइन में खड़ा कर दिया। उसके बावजूद आज तक प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि कितना पैसा बैंकों में आया है और इससे क्या फायदा हुआ है। शिंदे ने कहा कि किसान को झूठा आश्वासन दिए गए कि पैदावार बढ़ाओ, समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे। उसके बाद किसानों ने पैदावार तो बढ़ाई, लेकिन किसान आज भी मर रहा है। उन्होंने कहा कि किसान महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक आंदोलन की राह में है, लेकिन सरकार चुप है। दहेज की जयंती होती है, यंग कम्युनिटी के साथ बातें करना चाहिए, उनको समझ के लेना चाहिए। इससे ये कम होएगा, इन्फिल्ट्रेशन कम हो गया, वहाँ झगड़ा कम हो जाएगा। गालियाँ देंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन समझा के बोलना चाहिए। देखिए, अभी तक तो बात होती थी, गए 2-3 साल में तो बात होती थी, एकदम सडनली ऐसा क्या हो गया, अभी हो रही है। अभी तक होती थी, प्रेस भी बात होती थी, जो 2-3 प्रेस के महत्वपूर्ण प्रेस आए हुए कश्मीर वैली में बात करते थे। डायरेक्टली मत करो, लेकिन तुम्हारे सोर्सेस है, मैं सब नहीं बनना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई वॉज होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, सो आई नो द सोर्सेस थ्रू हूम इसी गवर्नमेंट कैन हैव दैट। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, तो इसी के लिए मैं कह रहा था कि जब एक कोई एग्जीक्यूशन हो गया था, वहां का आदमी था, खाली 2-3 स्क्रोन पेंटिंग हो गया कि नहीं, मैं नाम नहीं लेता। तो उस वक्त भी जो चैनल है उससे बात होती रहती, इतना बड़ा इंसिडेंस था वो, लोगों को वहां के विद्यार्थियों को स्किल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व कर लिए थे, और वहां ऐसे लोग आ गए थे जहां वहां वो हिस्सा लेते थे, वो लोग वो भी लड़के आते थे जिनको हमने ट्रेनिंग दिया, बम्बई में दे दिया, पुणे में दे दिया, कलकत्ता में दे दिया, चेन्नई में दे दिया, ये मूवमेंट चल रही थी। तो वो आगे ले जाना चाहिए, जैसा कि आपने राजीव गांधी की विद्युतीकरण की योजना नाम बदल की मूवमेंट चलानी, वो भी ऐसी तरीके से चलाना चाहिए। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जाहू में प्रधानाचार्य और स्टाफ के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को जहां बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल परिसर में स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं वीरवार को शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल डीसी हमीरपुर से मिलने पहुंचा और उपायुक्त से जल्द उन्हें न्याय दिलाने की मांग की, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके।
पिछले कई दिनों से जाहू स्कूल में शिक्षकों और प्रधानाचार्य के बीच विवाद चल रहा है, जिसके कारण स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। आपको बता दें कि इसी विवाद के चलते बुधवार को अभिभावक स्कूल परिसर में पहुंचे और प्रधानाचार्य के पक्ष में नारे लगाना शुरू कर दिए, जबकि स्कूल प्रबंधन व शिक्षकों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। अभिभावक प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक करना चाहते थे, लेकिन न ही तो शिक्षक और न ही प्रधानाचार्य इसके लिए राजी हुए। मामला इतना अधिक बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा और मामला शांत करवाना पड़ा, लेकिन शिक्षकों और प्रधानाचार्य के बीच चल रहा विवाद खत्म नहीं हुआ। शिक्षकों ने उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान से शिकायत की है कि बुधवार के दिन जो लोग वहां नारे लगा रहे थे वे गुंडागर्दी पर उतर आए थे, जिसके कारण स्कूल का वातावरण भी काफी हद तक खराब हुआ। शिक्षकों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की। प्रधानाचार्य के खिलाफ हम डीसी साहब से मिलने आए हैं, क्योंकि वहाँ पे गुंडागर्दी का माहौल उन्होंने बनाया हुआ है। लोकल कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, एक महीने से हमने विभाग को शिकायत की, अभी तक विभागीय कार्रवाई का कोई जवाब आता, इन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। और कल तो हद हो गई, जब स्थानीय लोगों को बुला के कुछ 10-12 गुंडे लाए, और लड़के थे असामाजिक तत्व, लेकिन उनका कोई लेना देना नहीं था, और बच्चों के अभिभावक भी बहुत कम थे, उसमें कम से कम 4-5 अभिभावक होंगे, और जो बाकी लोग आए थे वो जैसे ऐसा था जैसे भाड़े पे लाए हुए हैं उनको, और उन्होंने गुंडागर्दी का माहौल वहाँ पे बनाया हुआ था। हमें मुर्दाबाद के नारे हमारे लगाए गए, प्रिंसिपल जिंदाबाद के नारे लगाए गए, और प्रिंसिपल साहब ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। हमने डिप्टी डायरेक्टर साहब को फ़ोन किया, इमीडिएटली उन्होंने पुलिस को बोला और पुलिस आई हमारे बचाव के लिए। फिर जाहू पुलिस ने हमारा बचाव किया और स्थानीय लोग जो थे वो मार पीटने वाले माहौल पे थे, और बोला घसीट के लाओ इनको बाहर। उसके बाद प्रधानाचार्य साहब ने ज़बरदस्ती हमें बोला कि आप मीटिंग में आओ, पीएन के द्वारा मैसेज भिजवाया गया, लेकिन हम मीटिंग में नहीं गए क्योंकि हमें इंतजार है अपने विभागीय कार्यवाही का। लेकिन अगर विभाग ऐसे सोया रहा तो मुझे नहीं लगता कि हमें न्याय मिल सके, तो काइंडली जल्दी से जल्दी हमें न्याय उपलब्ध करवाया जाए ताकि हम वहाँ पर अच्छे ढंग से अपनी सेवाएँ दे सकें। सर, ये सब कुछ विभागीय कार्यवाही को बाधित करने के लिए किया गया ड्रामा था कल एक, जिसमें कि हम सबको बदनाम करने की कोशिश की गई और दोबारा से हम मानसिक प्रताड़ना के शिकार हुए हैं, तो हमारे विभाग से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्यवाही की जाए। और भ्रष्टाचार का एक ऐसा माहौल तैयार कर रखा गया है विद्यालय में कि जो भ्रष्टाचार में इनका साथ देते हैं वो इनके इतने चहेते हैं कि उनके ही कहे पर ये चल रहे हैं, ये अपने दूसरी आँख से बिल्कुल नहीं देखते हैं बिना तर्क के किसी बात के। और स्थानीय पब्लिक जो कि इनकी बातों में आ रही है, हमारा पक्ष सुनने को तैयार नहीं है, वो इनके कहने पर कल बिल्कुल ही गुंडागर्दी पर आई थी। और ये SMC भी मात्र एक महीना पहले बनी है, जिससे पूरी मामले की जांच पड़ताल की ही नहीं है और प्रस्ताव पे प्रस्ताव डाल रही है बिना दूसरे पक्ष को बताए, ना ही किसी शिक्षक को बताया जाता है कि क्या प्रस्ताव पढ़ रहे हैं और जिसमें हमें गलत गलत प्रस्ताव डाल रहे हैं। बच्चों को स्कूल में केवल शिक्षा ही नहीं मिलती, बल्कि बच्चे अनुशासन और संस्कार भी स्कूल से ही सीखते हैं। अब जरा सोचिए, स्कूल का माहौल इतना खराब हो गया है तो उनके दिमाग पर क्या असर हो रहा होगा, साथ ही पढ़ाई भी कितनी बाधित हो रही है इसका तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। शिक्षकों और प्रधानाचार्य के बीच चल रहे विवाद का सबसे अधिक नुकसान बच्चों का ही हो रहा है। अगर शिक्षकों और प्रधानाचार्य के बीच में कोई विवाद है भी तो उन्हें यह बैठकर सुलझाना चाहिए। शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया है और बच्चे भी अपने गुरु को अपना आदर्श मानते हैं। जो शिक्षक सिखाता है बच्चा भी वही सीखता है, इसलिए दोनों ही पक्षों को यह बात समझनी चाहिए ताकि स्कूल का माहौल भी ठीक बना रहे और बच्चों की पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। नगर निगम शिमला के 34 वार्डों में 16 जून को होने वाले मतदान के लिए आखिरकार कांग्रेस पार्टी भी अपने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची तैयार करने में जुट गई है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने पार्टी चिन्ह पर चुनाव न होने का हवाला देते हुए अधिकृत प्रत्याशी घोषित न करने की बात कही थी। कांग्रेस ने पार्टी चिन्ह पर चुनाव न होने का हवाला देते हुए अधिकृत प्रत्याशी घोषित न करने की बात कही थी, लेकिन भाजपा और माकपा द्वारा नगर निगम की चुनावों की तैयारियों को देखते हुए कांग्रेस को अपना पूर्व का फैसला पलटना पड़ा और पार्टी नेताओं ने प्रत्याशियों के नाम पर मंथन शुरू कर दिया है। प्रत्याशी फाइनल करने की कवायद में बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। पार्टी सूत्रों के अनुसार निगम के सभी
34 वार्डों में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। इस पर अब केवल मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही कांग्रेस पार्टी अपने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि अभी तक 154 प्रत्याशियों में से किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। वहीं नगर निगम शिमला के चुनावों पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और प्रत्येक मतदाता से संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा नया इतिहास रचेगी और मेयर और डिप्टी मेयर भाजपा के ही बनेंगे। नगर निगम, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में साधारणतया चुनाव प्रचार घर घर जाकर होता है, प्रत्येक मतदाता से संपर्क स्थापित किया जाता है। तो हर उम्मीदवार अपने अपने वार्ड में जाकर संपर्क करेगा और कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की टीम ने बहुत पहले ये काम शुरू कर दिया था। हमें आशा है इस बार हम नया इतिहास शिमला में रचेंगे और भारी बहुमत के साथ शिमला नगर निगम के चुनाव में हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और मेयर और डिप्टी मेयर दोनों भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। हमीरपुर में आपदा प्रबंधन पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया है। यह शिविर 5 से 8 जून तक चला, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। हमीर भवन हमीरपुर में आपदा प्रबंधन विषय पर 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका समापन ADC हमीरपुर रूपाली ठाकुर ने किया। इस कार्यशाला में जिला हमीरपुर के विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तथा आपदा से निपटने के गुर सीखे। कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए जिला राजस्व अधिकारी श्री मोहन सिंह सैनी ने बताया कि 4 दिनों तक चले इस कार्यशाला में जिला के विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों ने आपदा से निपटने के गुर सीखे। वहीं उन्होंने बताया कि इसके बाद ये अधिकारी अपने विभागों में कार्यशाला का आयोजन कर आपदा से निपटने का प्लान तैयार करेंगे। राजस्व अधिकारी ने बताया कि इस तरह के कार्यों का आयोजन ब्लॉक स्तर पर भी किया जा रहा है, ताकि पंचायत स्तर पर भी लोगों को इसका फायदा मिल सके। ये जो है एकीकृत आपदा प्रबंधन कार्यक्रम जो है ये 5 से 8 तारीख तक जो है पूरे जिला में चलाया गया। इसमें जिला के विभिन्न जो विभाग हैं उनके अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। इसमें उन्हें विस्तृत रूप से कैसे अपने अपने विभागीय स्तर पर जो आपदा प्रबंधन कार्यक्रम है, आपदा प्रबंधन प्रोग्राम है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसकी योजना बनानी है, कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स उन्होंने जो है इस दौरान अपने अपने विभाग के बना लिए। एक तरह से ये जो है लोगों में आपदा के प्रति जो है संवेदनशीलता, आपदा के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है। इसमें जो है हमारे SDMA जो जिला जो राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उससे नवनीत यादव जी ने भाग लिया और UNDP के जो एक प्रवक्ता हैं हमारे रंजन कुमार मलिक जी उन्होंने इसमें भाग लिया है। और इसमें जो है जिला के सभी अफसरान को, सभी विभागों के अफसरान को आपदा प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया गया है, उनको अवेयर कराया गया। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।